भैया जो मूर्तियाँ बना रही हैं तो कब से आप बना रहे हैं? वैसे हम पहले भी बनाते थे, लेकिन जो हमको पता चला कि मूर्ति का स्कोप अच्छा है, हमने सोचा कि कोर्स कर लें, विधिवत रूप से इसकी तैयारी हो जाए। हमने इसे ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय से कोर्स किया। कौन कौन सी मूर्तियाँ बना रहे हैं? वो मौसम के हिसाब से दुर्गा मूर्ति का लगा है, इस पर नवरात्रि का, दशहरे के लिए खिलौने हैं, और ये दीपावली के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ। कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप बना लेते हैं? अभी हम इससे पहले तो हैदराबाद में काम करते थे, प्रमो श्री कल्प में आर्ट गैलरी में, जहाँ से हमारा सबसे बड़ा स्टेचू था 60 फीट का। वो मॉडल था उसका डायनासोर का था, जिसमें 17 प्रजातियाँ थी उनकी, तो 17 प्रजातियों में सबसे बड़ा जो था वो हमारा 60 फीट का था मॉडल। ये रबड़ है, रबड़ का मूल पीओपी को ऐसे गोल इसमें डाल देते हैं, जब जम जाता ऐसे निकाल देते हैं। ये सीमेंट का है कि मिट्टी का है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस सांचे को रखने के लिए एक सांचा रखते हैं इसको, जिसको हम मदर मोल्ड बोलते हैं। इसमें ऐसे रखते हैं, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस गोल के इसमें डाल देते हैं, तो 25-30 मिनट बाद पूरा जमने लगता है। तब देख लेते हैं कि जम गया तो इसमें निकाल के आराम से निकाल लेते हैं। ये मिट्टी कहाँ से आती है? ये मार्केट में मिलता है। कितने रुपए किलो? 200 रुपए का बोरी। एक बोरी जी 20। तो उसमें कितना मूर्तियाँ बना लेते हैं? वो मूर्ति के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मूर्ति का साइज क्या है, मूर्ति खोखली है कि ठंसा है उसके ऊपर। ये भैया कलर कैसे चढ़ाते हैं? वो कलर मशीन है अपने पास, इस पर मशीन से होता है, मशीन से कलर करने थोड़ा क्लियरिटी अच्छी आती और कलर भी कम लगता, कलर पक्का होता है, ब्रश से करने से कलर निकलने लगता है। ये कच्चा कलर जी, ये पानी पड़ने से इसका पूरा कलर खराब हो जाता, लेकिन बाकी ये प्लास्टिक कलर है जो ये पानी पड़ने से कुछ नहीं होता। पास कोई किताब है कि ऐसे अंदर ब्रश करते हैं? नहीं, इसके लिए हम लोग को जब पढ़ाया गया था ना, उसमें कलर कम्युनिकेशन का पूरा डिटेल दिया गया था, किस कलर को मिलाने पे कौन सा कलर बनता, और बॉडी का कलर क्या होना चाहिए, देवताओं की बॉडी का कलर क्या होता, नॉर्मल आदमी की बॉडी का कलर क्या होता, वो सब होता है उसमें। कितने साल का कोर्स किए थे आप? 4 साल का हमारा बैचलर कोर्स था और मास्टर 2 साल। ये कलर कहाँ से आता है? कलर हम कानपुर से लाते हैं। कानपुर से लाते हैं? कैसे रेट में लाते हैं? ये लिक्विड में आता है तो आता है 250 से 300 रुपए का कच्चा कलर लीटर में, और 450 से 500 रुपए का पक्का कलर आता है। किसी मूर्ति का आपका आदेश आर्डर आया बनवाने? दीपावली के तो ज्यादा नहीं, 2-2 हजार 3-3 हजार सब लोगों से है, वैसे करके मान लीजिए 30-35 हजार मूर्ति बन जाएगी। यहाँ बरगढ़ मार्केट में ही? नहीं नहीं, बरगढ़ का तो अभी हमने आर्डर लिया है बाहर के, जो पुराने अपने का। कहाँ से आर्डर आए हैं? राजापुर का है, और ये मऊ का है, लालता रोड का है, और सैनी सिराते। किस मूर्ति का आर्डर आया है? लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश है, और हनुमान जी हैं, कुबेर जी हैं, सरस्वती हैं, सब उसी में पूरा आ रहा है। भैया आपको मूर्तियाँ बनाना क्यों अच्छा लगा? शौक थी आपकी? शौक थी जी, मुझे आर्ट में काम करना बहुत अच्छा लगता है, पहले से हमेशा कुछ होता था, कुछ नया करते थे बचपन से ही जी। बचपन में क्या बनाते रहे? बचपन में भी खिलौना खेलने का, मिट्टी का, बड़ा हुआ तो थोड़ा कुछ और बड़ा करने का काम हुआ, घर में हुआ तो कुछ जो भी मटेरियल मिलता है उसमें कुछ नया मॉडल बनाते हैं।